बनाते ट्रॉफीदार बंदूक बनाते। मैं नौवीं नस्ल बिच इस को पहले उसना रस्सी उतर चिमटा जो होता उस पर रस्सी पखती होती है रस्सी वाली बंदूक उमड़ा दादा बनाता है। उस को बाद एक संताली बिच सिर्फ एक 7.7 एम एम ना वो चलती है टोपीदार ये बंदूक आनी न जी इन्हों को लोग अपने घर बिच संभाल के रखते ना रखे असं दादा पड़दादा ये चला चला के यादगार के तौर पर वो रस्सी पखा को तलांदे डाजो दिंदी वो आज भी एक खान सुन मुकवान के देती है अरे कि भाई ये सुजा साफ करके दे मैं इसको अपनी बैठक में ला सा। तकरीबन 40 साल हो गई मुझे घर आदम खेल बेच उस बस उस नशियाँ रख रही मजदूरी करा एजेंसी भी गच रहा उस उर्दू नहीं समझते हम और तुम नहीं समझते हम तो बच्चे भी उर्दू कर दे माशाल्लाह इन्ना असें ते बड़े बड़ा भी माड़ा पे भी गए दर आदम खेल बिच वो भी एक नाली बंदूक बना रहे पार शलवार वो बनाते हैं वो का रुझान टोपीदारा खत्म हुई उस को बाद तलक हो गया बच्चे नहीं करते उनकी वस्ती बात ही नहीं वो प्लस्तर में काम कर हाँ चुनाई प्लस्तर उसकी जात का शुक्र है फिर मैं रोजी अपने आप कमाना अल्लाह का शुक्र है बस इमर ले के न फरीदी भाई इन्हें नाले था आए ना 12 साल तो इन्हें नाले हूँ दिल इतो अगर किसी का नहीं आता रहा और किसी जी को ना आपना मोचे यहाँ तना भाई बस खत्म और किसी जी काम ना कर काम की तो जड़े नाल कर सी तो खत्म शगिर्द बस उधर ही बेचासे जड़े आस बचे मेरे की एक गल नहीं इस बिच मार खानी पैंती है दो ही कोलो जान अगर आख के मैं उस्ताद दी बड़ियां लतां सही हैं शागिर्द फिर बेइज्जत कराउंदा किसी मोड़ बिच भी पिछा रह गया ना वो बेइज्जत कराउंदा शागिर्द ऐसा हो गया जेड़ा मड़ कोलो भी दो फोटो उतो जो ले आ फिर तबड़ा के ना बेइज्जती नहीं होंदी ना प्रिपेयरिंग करते हैं उम्र सीधा हो गया ना मतलब सन 65 बिच 12 साल 65 अयूबा बिच जिसले जंग लड़ी उसले मैं 12 साल हिसाब करो ऑन एंड हो गया दे ये रे जी बस 400-500 रुपया मिल जुल दे बस ठीक है शुक्र उसकी जात का वो जो कुछ मिल जुले पुखर नाल मार दे तो नहीं ना दे ले तो रात ही रोज दे दे Would you be a sea of